हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ ये एक हमारे पेशेंट हैं जो हमारे पास बहुत दूर से आए हैं। ये वेस्ट बंगाल से आए हैं और इनको जो प्रॉब्लम थी वो थी क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस, पैंक्रियाज में स्टोन्स। तो हबीबुल, आप कहाँ से हैं? आरामबाग, आरामबाग। बंगाल का आरामबाग। आरामबाग एक जगह है वेस्ट बंगाल में। हाँ तो आपको जो ये क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की तकलीफ है, जो पैंक्रियाज में दर्द होता था आपको, कितने टाइम से दर्द हो रहा है आपको? सर, पहले तो 2016 में हुआ था, हाँ, उसके बाद 21 में, फिर हुआ 23 में हुआ। ओके। तो मतलब बहुत बार 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 दर्द उठता था आपको, हाँ और इस दर्द के सिवा आपको कोई और तकलीफ भी थी? नहीं डायबिटीज? नहीं डायबिटीज डायबिटीज नहीं थी। और स्टूल कैसा आता था? बहुत ऐसे एकदम चिपचिपा टाइप का स्टूल तो नहीं आता था ऐसा? तो दोस्तों, पैंक्रियाज के दो फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मैं बार बार बताता हूँ। एक फंक्शन होता है कि पैंक्रियाज इंसुलिन बनाती है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो जिन लोगों को क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस होता है और उनकी पैंक्रियाज ज्यादा डैमेज हो गई होती है, तो उनके अंदर डायबिटीज होने का खतरा होता है। दूसरा, पैंक्रियाज जो है वो पाचन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हम अपना खाना खाते हैं उसमें जो फैट वाली चीजें यानी कि घी तेल वाली चीजें, उसके डाइजेशन में पैंक्रियाज का एक इंपॉर्टेंट रोल है। और जो लोग जो क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस से पीड़ित होती है उनके अंदर इस फैट का डाइजेशन अच्छे से नहीं होता और स्टूल ऑयली या चिपचिपा होता है, जैसे कि हबीबुल को होता था। क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस में जो सबसे परेशान करने वाला सिम्टम है वो पेट का दर्द है। तो जो पेट का दर्द पैंक्रेटाइटिस वाला होता है वो बहुत सिवियर पेन होता है। कहाँ पर होता था आपको दर्द? इधर इधर अपर एब्डोमेन में होता है। कभी कभी पीठ की तरफ जाता था आपका दर्द, तो कभी कभी पीठ की तरफ जाता है। और ऐसा कहते हैं कि थोड़ा सा झुकने से पेट के दर्द में आराम मिलता है तो फिर ये वेस्ट बंगाल में थे, इनके बहुत सारे टेस्ट हुए, सीटी स्कैन हुआ, एमआरसीपी का टेस्ट हुआ और उसमें पता चला कि इनको पैनक्रियाज के अंदर स्टोन्स बन गए हैं, पत्थर बन गए हैं और इनकी जो बीमारी है वो क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस है। तो हबीबुल, आपने ये निर्णय कि आपको वेस्ट बंगाल से दिल्ली हमारे पास आना है, ये डिसीजन कैसे लिया आपने? यूट्यूब वीडियो देखा है इधर। तो आपने हमारा यूट्यूब का वीडियो देखा और उससे आपको कॉन्फिडेंस मिला है हाँ सर, ना? कॉन्फिडेंस मिला। और अब आप कैसा? आपकी सर्जरी हो चुकी है? तो अच्छा है। सर्जरी हो गई? हाँ हो गया। और अच्छा महसूस हो रहा है? अच्छा, कोई दर्द वगैरह तो कुछ नहीं नहीं है? नहीं नहीं कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं? चलना फिरना शुरू हो गया? खुद वॉक कर रहे हैं? हाँ सर। और कुछ खाने को मिला आपको? खाना भी खाया है। हाँ। तो जो लोग, कई लोग जो है वो बहुत डरते हैं सर्जरी से, है ना? उनको लगता है कि पैंक्रियाज की सर्जरी बहुत बड़ी सर्जरी है, हम ठीक से रिकवर होंगे कि नहीं होंगे, हमारा दर्द खत्म होगा कि नहीं होगा, हमारी आउटकम कैसी होगी। तो ये जो लोग जिनको क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है और ये जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ सर, बताओ। अमित जावेद सर डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर है। और अमित जावेद सर डॉक्टर भगवान जैसा है, मेरा तकलीफ नहीं है। और थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक परेशान इंसान जो क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस से बहुत समय से जूझ रहा था, उसको बार बार दर्द होता था, खाने का डाइजेशन अच्छे से नहीं होता था, वो कमजोर हो गया था, आज आपके सामने सर्जरी के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। तो अगर आपको क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है या आपके पैंक्रियाज में स्टोन्स हैं, तो जो इस बीमारी का जो सबसे अच्छा इलाज है, देखिए एंडोस्कोपी, ईआरसीपी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, वो सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों के अंदर काम करता है। ज्यादातर मरीजों के अंदर जो सक्सेस होती है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट से होती है। तो अगर आपको क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है, पैंक्रिया स्टोन्स है, तो जो स्क्रीन पर लिखा हुआ नंबर है उस पर आप जरूर कंसल्ट करिए, हमारे को रीच आउट करिए और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको बिल्कुल नॉर्मल जीवन दे सकें।